हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉयज। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि तुम करंट अफेयर्स जीके वगैरह पढ़ते हो? हाँ सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी होती है तो उसमें करंट अफेयर्स और जीके वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं। हाँ सर, मैं भी करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो चलो ये क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोगों ने सॉल्व कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आप तैयारी करते हो, आप जीनियस हो। हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा देखो तो तुम लोग कितने जीनियस हो। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन कि पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो चलो बच्चों बताओ इसका आंसर। सर सर, एक्सिस बैंक। सर ICICI बैंक। सर कैसा करंट अफेयर्स पढ़ते हो यार तुम लोग, ये तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। कैसे पढ़ते हो तुम लोग यार? सर सॉरी सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है मनीग्राम। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी अदर एग्जाम में आ सकते हैं। तो तुम वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरा नाम है प्रदीप करोल करोल, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हमारे वीडियो की जो भी नया नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप जीनियस हो तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर पहले से पता था। अगर आप जीनियस नहीं हो तो मेरे दोस्तों घबराते क्यों हो, मैं आपको जीनियस बना दूंगा करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन यानी कि DMV पेश किया है? ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी है अमेरिका, एंड डी है न्यूजीलैंड। तो आंसर है ए यानी कि जापान। तो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जापान जहां ड्यूअल मोड व्हीकल पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, श्याम प्रसाद मुखर्जी रबर्न मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसे पहला स्थान मिला है? ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी तेलंगाना, एंड डी है केरला। तो राइट आंसर है सी यानी कि जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो रबर्न मिशन लागू करने वाला 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना को पहला स्थान मिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? ए प्रमोद भगत, बी है पलक कोहली, सी है मनोज सरकार, एंड डी है नितेश कुमार। तो राइट आंसर है डी यानी कि नितेश कुमार। तो चौथा पैरा बैडमिंटन जो चैंपियनशिप थी तो उसमें नितेश कुमार ने दोहरा स्वर्ण जीता। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विविधता के जनक नाम से मशहूर पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। ए विरल देसाई, बी यू विल्सन
सी संजू वर्मा एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि यो विल्सन। तो जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर पूर्व जीव वैज्ञानिक पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पेटा द्वारा की बॉलीवुड स्टार को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ए शिल्पा शेट्टी बी अक्षय कुमार सी आलिया भट्ट एंड डी है प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर है सी यानी कि आलिया भट्ट। तो पेटा द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर किस उद्योगपति ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीता है। ए विरल देसाई बी है प्रवीण कुमार सी है संजू वर्मा एंड डी है रमन सिंह। तो राइट आंसर है ए यानी कि विरल देसाई ने गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर उद्योगपति है जिन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है। ठीक है विरल देसाई को। क्वेश्चन नंबर 7 द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए संजू वर्मा बी है अमित शाह सी है रिचर्ड पावर एंड डी है नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर है ए यानी कि संजू वर्मा। तो द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग जो पुस्तक के लेखक है वहाँ है संजू वर्मा। ठीक है इसमें अमित शाह ने भी एक बुक लिखी है और नरेंद्र मोदी ने भी एक बुक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 रेणुका जी बांध परियोजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ए वेस्ट बंगाल बी है पंजाब सी है हरियाणा एंड डी है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है डी यानी कि हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध परियोजना भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। ए चाइना बी चिली सी जापान डी यूके। तो राइट आंसर है यूके की सरकार ने वहाँ बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया ताकि युवा इस ओर ना जाए। ठीक है और अपने स्वास्थ्य को मजबूत कर सके अपने हेल्थ को थोड़ा अच्छा बेटर कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है। ए RBL बी सेंट्रल गवर्नमेंट सी है RBI एंड डी है NPCI। तो राइट आंसर है सी RBI। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ए कोल मिनिस्ट्री एंड बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका आंसर है बी यानी कि जो
स्टारटिंग प्रोटोकॉल जो गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट जो बनाया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया है? जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वाले देश का नाम क्या है? ए रशिया, बी साउथ कोरिया, सी है नॉर्थ कोरिया एंड डी है अमेरिका। तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी कि रशिया। तो रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वाले है, ठीक है, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इन्होंने बनाया रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी है केरला एंड डी है गुजरात। तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी कि गुजरात ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदियों उत्सव की शुरुआत की है। यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है नदियों ताकि साफ रह सके। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिका पीठ में नियुक्त किया गया है? ए सुधांशु त्रिवेदी, बी है शांतनु गुप्ता, सी है अनहात सिंह एंड डी है नरेंद्रन जोड़ी कोलपेन। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि जो नरेंद्र जोड़ी कोलपेन है इन्हें दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिंगर का नाम बताइए जिनका वास्तविक गाना यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 100 की सूची में शामिल हो गया है। ए नीत मोहन, बी है ध्वनि भानुशाली, सी है गुरु रंधावा एंड डी है अरिजीत सिंह। तो राइट आंसर है बी, यानी कि ध्वनि भानुशाली भारतीय ऐसी सिंगर बन गए जिनका वास्ते गाना यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 100 की सूची में शामिल हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमने आज सॉल्व किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।